बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम रमज़ान मुबारक और जिगर की बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस बीमारी में रोज़ा रखना चाहिए और किस बीमारी में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हमने पहले सेशन में ये डिस्कस किया था कि हेल्दी लिवर पे रमज़ान मुबारक के रोज़ों के मुसबत असरात होते हैं। फिर दूसरे सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जिनको फैटी लिवर है उनको लाजमन रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़े से फैटी लिवर पे भी मुसबत असरात आते हैं और फैटी लिवर की बीमारी की शिद्दत कम हो जाती है। फिर हमने तीसरे सेशन में ये डिस्कस किया कि जिनको एक्यूट हेपेटाइटिस है उनमें रोज़ा उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये फैसला उनका डॉक्टर करेगा। फिर चौथे सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, जिनका जिगर नॉर्मल है और वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की दवाई खा रहे हैं या खा चुके हैं, उनमें रोज़े की कोई ममानियत नहीं है और वो रोज़ा रख सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवें सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जो सिरोसिस के मरीज़ होते हैं वो क्या करें। तो हमने जाना कि सिरोसिस के मरीज़ दो तरह के होते हैं, या कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस या डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस। कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस वो है कि जिसमें कोई पेचीदगी नहीं हुई, और डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस वो स्टेज है कि जिसमें चार बड़ी पेचीदगी में से कोई एक या एक से ज़्यादा पेचीदगी हो गई हो, और वो पेचीदगियाँ थी हिपेटिक इंसेफेलापैथी या बेहोशी के दौरे आना, वेरिसियल ब्लीडिंग या खून की उल्टियाँ आना, एसआईटिस या पेट में पानी का जमा हो जाना और लिवर कैंसर का हो जाना। तो हमने कहा कि जो कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस है वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अंडर क्लोज मॉनिटरिंग, और डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस के मरीज रोज़ा ना रखें। फिर पिछले सेशन में जो कि छठा सेशन था, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर लिवर कैंसर के मरीज हैं वो रोज़ा रखें कि ना रखें, और हमने ये डिस्कस किया कि लिवर कैंसर के चार स्टेजेस होती हैं, स्टेज ए बी सी और डी। स्टेज ए वो है कि जो इब्तदाई मरहला होता है या इब्तदाई स्टेज होती है, जिसमें जिगर कैंसर जिगर के अंदर ही रहता है और उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ऐसे शख्स रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो भी वही जिस तरह के कॉम्पेंसेटेड सर्विसेज वाले, यानी क्लोज मॉनिटरिंग पे। इसके बाद स्टेज बी, वो कैंसर जो कि जिगर में ही है, जिगर तक ही मौजूद है लेकिन उसका साइज बड़ा हो चुका है, और स्टेज सी वो कैंसर के जो जिगर से बाहर निकल चुका है चाहे साइज जितना भी हो, और स्टेज डी वो कैंसर के जो साइज जितना भी हो लेकिन वो या तो ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है, बहुत हैवी स्टेज है, या बदन की कंडीशन ऐसी है कि वो पूरी तरह खराब है, तो बी सी और डी स्टेजेस के कैंसर में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, चाहे वो सिरोसिस की वजह से था या चाहे वो लिवर कैंसर की वजह से था, और उसके जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी जिगर की पैवंदकारी हुई है, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए, आए उसको रोज़ा रखना चाहिए कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह के मैंने कहा कि जिगर की पैवंदकारी या लिवर ट्रांसप्लांटेशन के दो ही बड़ी इंडिकेशंस होती हैं, एक लिवर सिरोसिस और दूसरा लिवर कैंसर। तो लिवर सिरोसिस के मरीजों के लिए अगर ट्रांसप्लांट हुए, एक होता है एक्यूट लिवर फेलियर। तो अगर जिगर के कैंसर का के लिए ट्रांसप्लांट हुआ है या सिरोसिस के लिए हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट के मरीजों के भी दो स्टेजेस हैं। एक जब ट्रांसप्लांट हुआ है उसका पहला साल, उसमें अगर मरीज है कि उसका अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे मरीज को हम रोज़ा नहीं रखवाते हैं, और उस एक साल के दौरान में रमज़ान आ गया तो रोज़ा नहीं रखवाते हैं। रीज़न ये होती है कि उसके जो ड्रग्स होती हैं वो उस स्टेज में होती हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, और उसमें डिहाइड्रेशन वगैरह से उसको बचाते हैं। जब दूसरा साल होता है ट्रांसप्लांट के बाद, उसके बाद भी हम पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं कि आया रोज़ा रखवाएं कि ना रखवाएं। तीसरे साल या उससे ऑनवर्ड्स वो रोज़ा रख सकता है, बशर्ते कि उसके बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल हो। तो लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज, ये एक स्पेशल पॉपुलेशन है, और ऐसे पॉपुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने डॉक्टर से रिजू करें, वो डॉक्टर उसको बताएगा कि आया आप रोज़ा रख सकते हैं कि रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें एक चांस होता है कि अगर ड्रग्स के लेवल्स ख़राब हो जाएं तो या तो उसके लिवर ट्रांसप्लांट पे मुज़र असरात आते हैं, उसका ग्राफ्ट जो है ना वो फेलियर में जा सकता है, या उसके
किडनीज पे बुरे मुजर असरात आ सकते हैं। तो ऐसे मरीज दे आर द वेरी स्पेशल पॉपुलेशन, और उनका फैसला हर डॉक्टर भी नहीं कर सकता, उनका फैसला उसको वही करेगा जो कि लीवर ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट होता है, जो कि इसी पेशेंट्स को ट्रीट करने में उनका तजुर्बा होता है, सिर्फ वही बता सकते हैं कि आया आपको रोज़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो नाजरीन, इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की डिस्कस करूँ कि रमज़ान मुबारक और जिगर के मुख्तलिफ बीमारियों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उम्मीद है कि इस सीरीज़ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जिगर की तमाम बीमारियाँ या मुख्तलिफ बीमारियाँ वो एक लेवल पर नहीं होती हैं, किसी में हम रोज़ा रखवाते हैं, किसी में नहीं रखवाते हैं, किसी में फ़ायदा हो सकता है, किसी में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये सीरीज़ में एंड करूँगा, इंशाल्लाह अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स को शुगर की बीमारी है तो आया वो रोज़ा में क्या करें, रोज़ा रखे कि ना रखे, और उसके बाद हम एक और सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जिसको मेदे की तेजाबियत या जिसको रिफ्लक्स की बीमारी है आया वो रोज़ा रखे कि रोज़ा ना रखे। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।